दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच 2 दिनों में ही ट्रेड वॉर बढ़ने की आशंका गहरा गई। अमेरिका और चीन की तल्खी अगला रुख किस ओर लेगी, इस पर भी निगाह टिकी हुई। इस रिपोर्ट में चीन और अमेरिका की आपसी तल्खी एक बार फिर से तेज हो गई है। मंगलवार को अमेरिका ने चीन से आयात होने वाले करीब 1300 उत्पादों पर 25% शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया था। इसके जवाब में महज 24 घंटे के अंदर चीन ने 106 अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 25% अतिरिक्त ड्यूटी लगाने की घोषणा कर डाली। अमेरिका ने जिन वस्तुओं पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया, चीन से हर साल उनका करीब $50 अरब यानी कि 3,25,000 करोड़ रुपए का आयात होता है। दूसरी ओर चीन ने जिन अमेरिकी वस्तुओं पर ड्यूटी बढ़ाई है उनका सालाना आयात भी 3,25,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। अमेरिका की सूची में इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल प्रोडक्ट्स, केमिकल, टीवी सेट्स, मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और मशीनरी जैसे उत्पाद शामिल हैं। चीन जिन अमेरिकी गुड्स पर अतिरिक्त शुल्क लगाने जा रहा है उनमें सोयाबीन, प्लेन, कार, विस्की और केमिकल्स शामिल हैं। फिलहाल अमेरिका ने चाइनीज गुड्स की सूची जारी कर लोगों से टिप्पणी मांगी है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय अंतिम सूची जारी करेगा और उसके बाद आयात शुल्क लागू हो जाएगा। चीन ने कहा कि उसके अतिरिक्त शुल्क के लागू होने की तारीख अमेरिकी कदम पर निर्भर करेगी। चीन ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन परेशानी हुई तो उचित जवाब देंगे। अमेरिका का कहना है कि उसने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि चीन अमेरिकी कंपनियों को अपने यहाँ सामान बेचने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर मजबूर करता है। चीन का कहना है कि अमेरिका का कदम WTO के नियमों के खिलाफ है। बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन अगर परेशानी हुई तो उचित जवाब भी दिया जाएगा। 2 दिन पहले चीन ने अमेरिकी गुड्स पर अतिरिक्त शुल्क लगाया था। इससे पहले अमेरिका ने 22 मार्च को चीन से आयात होने वाले करीब 3,25,000 करोड़ रुपए के उत्पादों पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया था। जवाब में चीन ने अमेरिका से आयात होने वाले करीब 19,500 करोड़ रुपए के 128 उत्पादों पर 2 अप्रैल को शुल्क लगा दिया। चीन ने अमेरिका से आयातित फलों समेत 120 उत्पादों पर 15% और पोर्क और इससे संबंधित 8 उत्पादों पर 25% शुल्क लगाया है। व्यापार घाटे को लेकर चिंतित है अमेरिका। चीन के साथ अमेरिका का सालाना व्यापार घाटा $50,000 करोड़ का है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वो इतने अधिक व्यापार घाटे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारतीय उत्पादों पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकता है। भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा करीब $2,290 करोड़ का है। इसीलिए ट्रेड वॉर की आंच भारत तक पहुंचाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका भारतीय उत्पादों पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकता है। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच 2 दिनों में ही ट्रेड वॉर बढ़ने की आशंका गहरा गई है। इसका असर शेयर बाजारों पर दिखाई दे रहा है। इससे ग्लोबल खतरा बढ़ने की आशंका गहरा गई है और यकीनन इसका भारतीय बाजार पर भी असर पड़ना तय माना जा रहा है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। अमेरिका किन चीजों पर लगाएगा एक्स्ट्रा चार्ज, साथ ही इस चार्ज से अमेरिका को कितना राजस्व मिलेगा, इस रिपोर्ट में। चीन और अमेरिका के बीच वार पलटवार जारी। 1300 चीनी उत्पादों पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाएगा अमेरिका। अमेरिका ने बुधवार को चीन से आयात होने वाले उत्पादों की सूची जारी की है जिन पर 25% की दर से अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इससे अमेरिका को $50 अरब का राजस्व मिल सकता है। इनका अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर कम से कम असर होगा। इस प्रस्तावित शुल्क में विमानिकी, सूचना एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स और मशीनरी जैसे उत्पाद शामिल हैं। जिन उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया है उनमें 1300 के करीब उत्पाद शामिल हैं।
अमेरिका ने चीन के साथ उसके बढ़ते व्यापार घाटे का मुद्दा एक बार फिर से उठाया। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वो चीन के साथ सालाना 500 अरब डॉलर के व्यापार घाटे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ट्रंप ने लगाया व्यापार शुल्क, तो चीन ने भी चेताया। इधर चीन के तेवर भी तल्ख हैं। चीन ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत के लिए उसके दरवाजे हर समय खुले हैं, लेकिन अगर व्यापार युद्ध शुरू होता है तो वो अंत तक लड़ेगा। चीन ने कहा, हम व्यापार युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम इससे डरते नहीं। अगर कोई व्यापार युद्ध करना चाहता है तो हम आखिर तक लड़ेंगे। चीन की तरफ से बयान ऐसे समय में दिया गया जब उसने अमेरिका की ओर से इस्पात और एल्यूमिनियम पर शुल्क लगाने के जवाब में 128 अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क लगाया है। चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर करीब 3 अरब डॉलर का शुल्क लगाया है। इनमें मांस, फल और कुछ अन्य उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर, खतरे में विश्व की अर्थव्यवस्था। ट्रेड वॉर या व्यापार की लड़ाई संरक्षणवाद का नतीजा है। अगर कोई देश किसी देश के साथ ट्रेड पर टैरिफ या ड्यूटी बढ़ाता है और दूसरा देश इसके जवाब में ऐसा ही करता है, तो समझिए ट्रेड वॉर की स्थिति बन चुकी है। दो देशों से शुरू ऐसी ट्रेड वॉर धीरे धीरे विश्व के कई देशों के बीच व्यापारिक टेंशन का माहौल बना सकती है। ट्रेड वॉर से विश्व बाजार पर खतरनाक असर पड़ सकता है। वैश्विक ट्रेड वॉर से बेरोजगारी बढ़ेगी, आर्थिक रफ्तार कम होगी और ट्रेडिंग साझेदार देशों के रिश्ते बिगड़ेंगे यानी साफ है कि चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर के चलते ग्लोबल इकोनॉमी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और शक्तिशाली देश अमेरिका और चीन के बीच अचानक शुरू हुए ट्रेड वॉर ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। इस वैश्विक तनाव से भारत सहित दुनिया भर के बाजारों में भारी पिकवाली का दबाव देखा गया, यानी ट्रेड वॉर के बीच भारत की अर्थव्यवस्था पिसती हुई नजर आ रही है। अमेरिका और चीन के बीच चल रही वैश्विक कारोबारी जंग से भारत से होने वाले निर्यात पर असर पड़ सकता है। इस तनाव में मांग में गिरावट और ज्यादा लागत से कीमतें तेज हो सकती हैं। शुल्क लगने की जंग ऐसे समय में छिड़ी है जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी मंदी के दौर से बाहर निकल रही थी। इस दौरान जंग की वजह से अगर वैश्विक कारोबार की मात्रा कम होती है तो इसका असर हमारे निर्यात पर पड़ना तय है। वित्त वर्ष 2018-19 में निर्यात में 2 अंकों की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है, जो संभवतः अब ना हो पाए। अमेरिकी संरक्षणवादी नीतियों के चलते वैश्विक बाजार का आकार घटेगा और उत्पादक देशों के बीच प्रतिस्पर्धा में इजाफा होगा। इससे न केवल निर्यात के आकार में कमी होने की आशंका है बल्कि मुनाफे में भी कमी आएगी। स्पष्ट है कि व्यापक घरेलू खपत वाले देश बेहतर स्थिति में रहेंगे। अमेरिका के निशाने पर भले ही चीन हो, लेकिन उसकी घरेलू खपत भारत की तुलना में बहुत अधिक है। इसके अलावा अगर मौजूदा कारोबारी जंग से झटके जारी रहे तो ये उम्मीद है कि इससे बाजार प्रभावित होंगे जिनका इन दोनों देशों से बड़ा कारोबारी संपर्क है। वैश्विक जीडीपी 75.3 लाख करोड़ डॉलर की है और इसमें अमेरिका और चीन की भागीदारी 19.4 लाख करोड़ डॉलर और 11.9 लाख करोड़ डॉलर है। विशेषज्ञों ने यह भी चेतावनी दी है कि कारोबारी जंग के बाद मुद्रा में उतार चढ़ाव होता है। अमेरिकी आर्थिक नीति में मौजूदा बदलाव से जुड़ी दो बातें ऐसी हैं जो शायद मुद्रा बाजार को पसंद न आए। पहली बात, हाल ही में कर कटौती की घोषणा की गई जो बजट घाटे में इजाफा करती है। अगले कुछ वर्षों में बजट घाटा 1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है। दूसरी बात का संबंध आयात शुल्क से है। आयात शुल्क बढ़ाने की घोषणा का असर डॉलर और शेयर बाजार पर हुआ और वहां जमकर बिकवाली हुई। ऐसे में मौजूदा माहौल डॉलर के लिए नकारात्मक है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? राजकोषीय विस्तार और संरक्षणवाद आयात की लागत बढ़कर इसमें मदद करता है। ये अमेरिका को दोहरे घाटे की जटिल समस्या में उलझा देगा। चीन, जो कि अमेरिका की सरकारी बॉन्ड का सबसे बड़ा खरीदार है, वो अगर प्रतिरोध स्वरूप अतिरिक्त खरीद के बजाय अमेरिकी बॉन्ड की बिकवाली शुरू कर देता है तो जो असंतुलन पैदा होगा उसकी भरपाई करना खासा मुश्किल हो जाएगा।
एक संभावना ये नजर आती है कि अमेरिकी ब्याज दरों में तेजी से इजाफा हो जबकि डॉलर की कीमत कम हो। डॉलर की कीमतों में गिरावट का अर्थ होगा रुपए में मजबूती आना। बढ़ता संरक्षणवाद पहले ही विश्व बाजार पर नकारात्मक असर डाल रहा है, ऐसे में रुपए की मजबूती को कतई अच्छा नहीं माना जा सकता। पिछले एक साल से भारतीय रुपए में स्थिरता बनी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि दीर्घ अवधि के हिसाब से इसमें स्थिरता बनी रहेगी क्योंकि निवेशक अर्थव्यवस्था में धन लगा रहे हैं। भारत पर निवेशकों के भरोसे का असर है कि ट्रंप द्वारा चीन पर शुल्क लगाए जाने के एक दिन के बाद रुपया प्रति अमेरिकी डॉलर 65 रुपए 1 पैसे पर बंद हुआ। कुल मिलाकर रुपया और मजबूत होने की उम्मीद है और इससे भारत का निर्यात और महंगा हो जाएगा। इससे भारत का निर्यात अब प्रतिस्पर्धी होने का डर है। रुपया और चीनी युआन के अलावा अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की मुद्राओं में गिरावट की उम्मीद है। इस बात की काफी संभावना है कि अमेरिका शुल्क समाप्त कर दे या फिर वह ऐसी तमाम शर्तें रखे जिसकी बदौलत ये निष्प्रभावी हो जाएं। हालिया इतिहास पर नजर डालें तो ऐसे संकेत नजर आने लगे। स्टील पर लगने वाला शुल्क भी नया नहीं है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के प्रशासन ने सन 2002 में स्टील टैरिफ लागू किया था। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था को करीब 20,000 रोजगार गंवाने पड़े थे। इस कारण पहले ही वर्ष 2003 में ये शुल्क हटा दिया गया था। भारत अमेरिका के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में नहीं आता। 1.9% के व्यापार हिस्सेदारी के साथ वो इस मामले में 9वें पायदान पर है। चीन अमेरिका के कारोबारी रिश्तों में पड़ला चीन की तरफ झुकता हुआ है और अंतर करीब $375 का है। अमेरिका चीन में 130.4 अरब डॉलर का निर्यात करता है तो चीन से 505.60 अरब डॉलर का आयात करता है। वहीं अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस 22.9 अरब डॉलर है जो बहुत अधिक नहीं है। इस संपूर्ण स्थिति में चीन अपना माल खपाने के लिए बाजार की तलाश करेगा और भारत में चीनी सामान का आयात और ज्यादा बढ़ सकता है। इस नजरिए से देखें तो संरक्षणवादी कदम लागू करने और उसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने की भी अपनी एक सीमा है। सच तो यह है कि वैश्विक स्तर पर व्यापारिक युद्ध से किसी का लाभ नहीं होने वाला। अगर हालात और बिगड़ना शुरू हुए और चीन के बाद यूरोपीय संघ ने भी अमेरिकी शुल्क वृद्धि का जोरदार प्रतिरोध किया तो भारत के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह पाएगी। ऐसे में भारत को वैश्विक व्यापार युद्ध को कम करने के लिए अहम भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। ये जरूरी है कि विश्व व्यापार संगठन प्रक्रिया को जारी रखे और बहुपक्षीय संगठनों को और मजबूत बनाकर वैश्विक कारोबारी विवादों को निपटाया जाए और कानून आधारित वैश्विक व्यापार हो सके। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़। और अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका और चीन के बीच चल रही इस ट्रेड वॉर से भारत को फायदा होगा या फिर यह ट्रेड वॉर भारत के लिए एक घाटे का सौदा साबित होगी। इस पूरे मसले पर अर्थशास्त्री प्रोफेसर ललन प्रसाद से बात की हमारे संवाददाता ललित नारायण कांडपाल ने। अमेरिका ने अपने बढ़ते वित्तीय घाटे को कम करने के मकसद से चीन से आने वाले सामान के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। तकरीबन 25% तक की इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है जिसके बाद असर ये हुआ है कि चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर छिड़ गया है और इस ट्रेड वॉर के पूरे दुनिया पर असर देखे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर दुनिया पर इस पूरी ट्रेड वॉर का असर हो रहा है तो भारत के बाजार पर इसका कितना असर होगा। कल जब ये पूरी खबर आई तो उसके बाद शेयर बाजार में भी बड़ी हलचल देखने को मिली, निफ्टी में भी बड़ी हलचल देखने को मिली। लेकिन बावजूद उसके भारत के बाजार पर इसका बड़ा क्या असर होगा, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर अर्थशास्त्री प्रोफेसर ललन प्रसाद जी। उन्हीं से पूछते हैं, सर मुझे ये बताइए कि अब दुनिया भर में जब ये दो देश अपनी ट्रेड वॉर लड़ रहे हैं तो इसका असर तो हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, तो थोड़ा विस्तार से तो हमें बताइए कि आखिर ये लड़ाई शुरू कहाँ से हुई। देखिए, ये लड़ाई शुरू इस बात से लेकर हुई कि ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि हमें अमेरिका का डेफिसिट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इसके लिए जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो स्थिति आगे जाकर बहुत नाजुक हो जाएगी। ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा है कि इसके पहले जो लोग चाइना से ट्रेड निगोशिएशन करते थे और एग्रीमेंट करते थे वो देवर फुलिश बेवकूफ़ किस्म के लोग थे जिन्होंने इस तरह से एग्रीमेंट चाइना से किया, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया और चाइना बहुत बड़ा ये कहेगी उनका लेनदार हो गया अमेरिका का, तो उस गैप को कम करने के लिए किया। अच्छा, दूसरी ओर चाइना को आप देखें तो चाइना की अब एक नई जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है
2025, तो उसकी में बड़ा क्लियर है, वो मेड इन चाइना, जैसे हमने मेड इन इंडिया किया था तो उसके तर्ज पर उन्होंने मेड इन चाइना बनाया, और मेड इन चाइना उन्होंने बड़ी सख्ती से और बड़े अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट किया। उसका परिणाम ये हुआ कि टेक्नोलॉजी का बहुत ट्रांसफ़र चाइना में होने लगा। अब ट्रंप ये कहते हैं कि जो ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र अमेरिका से चाइना को हो रहा है, इससे अमेरिकन इंडस्ट्री और दुष्प्रभावित होगी, क्योंकि चाइना और लेटेस्ट चीज़ें बनाना शुरू कर देगा और दुनिया को हमसे पहले एक्सपोर्ट करेगा और हमसे कम दाम पर एक्सपोर्ट करेगा। तो अमेरिका चारों ओर से घिरा लगता है ट्रेड वार में, और वो सोचता है कि उसे ठोस कदम उठाने की तुरंत ज़रूरत है। और जहाँ तक चाइना का सवाल है, चाइना इस चीज़ को डिले करना चाहता है कि किसी तरह से निगोशिएशन करके कुछ करके हम अमेरिकन प्रेसिडेंट को इतना कड़ा स्टेप न उठाने दें, क्योंकि उससे उसको बड़ा नुकसान हो जाएगा। अच्छा सर, एक सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि अगर इन दोनों की लड़ाई लड़ रही है और इसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है, तो आखिर भारत के बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा? हमारे कौन कौन से सेक्टर जो हैं प्रभावित हो सकते हैं इस पूरे? देखिए, हम अमेरिका से एक तो टेक्नोलॉजी बेस्ड जितनी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, आर्म्स हैं, आर्मामेंट्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, जो बहुत कास्टली आइटम्स हैं, ऐसे आइटम्स अमेरिका से मंगाते हैं। तो जहाँ तक इन आइटम्स का सवाल है कि अगर अमेरिका इन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाता है तब तो हम अफेक्टेड होंगे, अदरवाइज हमारे ऊपर इसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। एक्चुअली चाइना जो अमेरिका ने अभी तक ड्यूटी बढ़ाई है जिन प्रोडक्ट्स पर, वो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स चाइनीज मेड हैं, और हम अभी टेक्नोलॉजी में अमेरिका को या अमेरिका को हम गुड्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते। हमारा एक्सपोर्ट अभी जिन प्रोडक्ट्स का है उनका इमीडिएट इस पे के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आना है। दूसरी बात यह है कि इंडिया और कोरिया दोनों ने इसका दोनों को इसका लाभ हो रहा है, लाभ इस सेंस में हो रहा है कि हमारा भी ट्रेड डेफिसिट अमेरिका से बहुत ज़्यादा था और कोरिया का भी बहुत ज़्यादा था, तो कोरिया ने जो कुछ प्रोडक्ट्स के जो एक्सपोर्ट वो अमेरिका को करते थे वो कम कर दिया है, और अमेरिका की स्थिति ऐसी है, इस जो फिनेंशियल सिचुएशन है, जिस तरह से ट्रेड उसका घट रहा है, तो उन्होंने भी अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट धीरे धीरे जो उनका ट्रेड डेफिसिट था उसको कम कर रहे हैं अमेरिका के साथ। और भारत ने भी रिसेंटली कुछ ऐसे स्टेप लिए हैं जिससे भारत का ट्रेड डेफिसिट भी अमेरिका के साथ कम हो रहा है। बहुत से आर्मामेंट्स वगैरह, वेपन्स वगैरह जिसके पहले आर्डर दिए थे, हाँ जो दिए थे, तो उनकी डिलीवरी हम ले रहे हैं इस समय, तो उसकी वजह से बहुत सारा हमारा भी डेफिसिट कोई 6% करीब पिछले साल 2017 में हमारा अमेरिका के साथ जो डेफिसिट था, ट्रेड डेफिसिट, वो कम हुआ। अच्छा सर, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ कि हम भी कई सारी चीज़ें अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी है उसका असर हम पर भी होगा या फिर वो सिर्फ चीन के लिए है? नहीं देखिए, इम्पोर्ट ड्यूटी अगर उन प्रोडक्ट्स पर भी लगेगा तब तो होगा, लेकिन जो अभी स्थिति है उसमें कुछ ऐसा नहीं खास है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं बहुत वाइड रेंज प्रोडक्ट्स हैं जो अमेरिका को जाते हैं, तो अमेरिका ने कोई 1300 आइटम पर ड्यूटी बढ़ाई है, उसमें कुछ आइटम तो हैं जिस पर हमें भी होगा, क्योंकि हम तो ज़्यादातर प्राइमरी एक्सपोर्टर हैं, बहुत हाई टेक्नोलॉजी की चीज़ें अमेरिका को तो हम एक्सपोर्ट नहीं करते। हम अमेरिका को जो सबसे बड़ी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं वो है सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो उससे इससे कोई बहुत ज़्यादा खास रिलेशन अभी नहीं है। अब जब उनका डिटेल जिस आएगा कि और किन कौन कौन से आइटम पर वो चाहते हैं इस तरह से कर्व करना, हम अमेरिका की इस नीति से तो परेशान भी अब ऑलरेडी हैं, क्योंकि उन्होंने H-1 वीसा का के ऊपर जो प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो हमारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री उससे अफेक्ट हो रहा है। तो कुल मिलाकर प्रोफेसर ललन प्रसाद बता रहे हैं कि भारत के लिए फिलहाल कोई बहुत बड़ी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि भारत जो चीज़ अमेरिका को देता है वो अभी दुनिया में किसी और देश के पास इस स्तर पर नहीं है कि वो अमेरिका को हमसे सस्ता दे सके या फिर हमसे बेहतर दे सके। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि उनका जो एक पॉइंट ये भी है कि अगर भारत चाहे तो इस अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकता है, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकता है, जिसके चलते भारत का जो कारोबार है वो अमेरिका के साथ बढ़ सकता है, जो कि अभी बहुत कम है एक तरह से। और चीन जो है दुनिया में सबसे नंबर वन देश है जिसका कि अमेरिका के साथ कारोबार होता है, सबसे बड़ा पार्टनर जो है इस वक्त चीन है, तो ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान चीन को होगा। और अगर हमारे जो नीति निर्धारक हैं वो इस मौके का फायदा उठाएं तो सबसे बड़ा फायदा भारत को होगा। अब देखना ये होगा कि भारत की सरकार इस ट्रेड वॉर को कैसे देखती है और क्या फैसले लेती है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, नोएडा।